अकृषि भूमि, इसके अंतर्गत वो सारी ज़मीन गिनी जाती है जिस पर खेती नहीं की जा सकती है तथा जिसे गैर कृषि उपयोग में लिया जाता है, जैसे हिमाच्छादित पर्वत, रेत के टीले, मकान, दुकान, उद्योग, सड़क, रेल मार्ग, बाजार, खेल का मैदान, तालाब, नदियाँ, बांध इत्यादि की भूमि। विगत वर्षों में औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं यातायात में वृद्धि के कारण अकृषि भूमि का तेजी से विस्तार हुआ है और राष्ट्रीय भूमि उपयोग में 1950 और 2010 के बीच इसका अनुपात 4% से 9% हो गया है। आज अकृषि कार्यों में जैसे औद्योगीकरण, नगरीकरण इत्यादि में कृषि भूमि को अधिग्रहण करने की मांग की जा रही है। किस तरह की कृषि भूमि का उपयोग इस प्रकार बदला जाए और किसानों को इसके लिए उचित मुआवजा कितना मिले, इस पर आज गहन विवाद चल रहा है। अगर उपजाऊ बहुफसली भूमि पर उद्योग लगे तो अनाज उत्पादन और देश की खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अतः केवल कम उपजाऊ जमीन को इस तरह के काम में लिया जाना उचित है। इसी तरह किसानों को उनकी जमीन के बदले किस तरीके से मुआवजा दिया जाना चाहिए, इस पर भी विवाद चल रहा है। अगर किसी जमीन के उपयोग को बदला जाता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन किसानों को मुआवजा कृषि भूमि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। परती भूमि, अक्सर किसान कमज़ोर जमीन को परती छोड़ देते हैं ताकि जमीन की उर्वरता पुनः स्थापित हो। परती भूमि के दो भाग हो सकते हैं, वर्तमान परती भूमि और पुरानी परती भूमि। वर्तमान परती भूमि जो केवल एक वर्ष के लिए परती है, भूमि को एक वर्ष के लिए परती छोड़ने पर उसमें ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होती है जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। पुरानी परती भूमि जो एक से अधिक वर्षों से परती है, पुरानी परती पर कृषि का विस्तार नहीं होने पर यह बंजर में परिवर्तित हो जाएगी। भारत में आज लगभग 8% जमीन परती है। बंजर भूमि, इसमें दो प्रकार की भूमि सम्मिलित है, एक जिसमें कृषि की संभावना अत्यंत कम है, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, खड्ड इत्यादि। दूसरी जिसमें भू संरक्षण की विधियों से उसे वानिकी या कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसमें कुछ ऐसी भूमि भी है जिसमें पहले कृषि की जाती थी किंतु अब बंजर हो गई है। बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए इसका विकास किया जा सकता है। बंजर भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग वन विभाग द्वारा अधिग्रहित किए जाने एवं उन्नत तकनीक से कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित किए जाने के कारण विगत 60 वर्षों में यह भूमि 21% से कम होकर 10% रह गई है।